भाई एमएलए साहब बैंक मैनेजर के डिटेल्स दिया, मैनेजर को फोन कर। रिंग हो रहा भाई, स्पीकर ऑन कर। हेलो, आप अनवर बात कर रहे हैं? हाँ मैं अनवर बात कर रहा हूँ, बैंक मैनेजर। मैं अब्बास बात कर रहा हूँ। हमारे एमएलए साहब की लैंड है ना मलकपेट की, उसको कमर्शियल बताकर लोन अप्रूवल कर दो। सॉरी सर नहीं हो सकता, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर सिर्फ 3 करोड़ रुपया लोन सैंक्शन हो सकता है। वे 3 नहीं चाहिए, उसमें 30 चाहिए। इम्पॉसिबल सर, नहीं हो सकता। वो अप्रूवल करता है या तेरा अप्रूवल कर दूं? अरे वो इडियट, रख फोन। इसके फोन कट कर दिया वो मेरा साला। तू आउट के अपना खून कहीं को सुखा ले रहा। अरे अपन उसके घर में घुस के उसका खून चूसेंगे। तू गेम खेल, गेम खेल, तू गेम खेल। हाँ बोल खुशी। अब्बू की बातों का बुरा नक्को मानो। तू कहीं को सॉरी बोल रही। ओके दैट्स व्हाई आई लव यू। अच्छा कल हमारे अपार्टमेंट में होली है, आओ खेलेंगे। कल अपन फिल्म को जाएंगे दोनों मिलकर। अच्छा ओके, पहले होली खेलेंगे फिर फिल्म को जाएंगे। ओके बाय। हेलो। हाँ हेलो शंकर सर। अरे मेरे प्यारे भाई अनवर कहाँ हैं आप? हाँ भाई यार बहुत जमाने के बाद फोन किया। हैप्पी होली। अरे विश यू द सेम यार। मैं भी अभी पूजा। जी हाँ जी हाँ, हैदराबाद में पूजा। हाँ यार यहाँ पर तो होता है, हैदराबादी कल्चर जो है वो गंगा जमुना तहजीब है, कभी वो हमारे त्यौहार में आते हैं। सही कहा तुमने। मेरी भतीजी से तो बात कराओ यार, वो अभी भी नीचे गई है होली खेलने। ओके कैरी ऑन, बाद में बात करेंगे। होली अनवर मिया। बैठो, बैठ के बात करेंगे। कौन है आप लोग? अली भाई बोलते मेरे को, और सारी दुनिया को मालूम हम लोग किस टाइप के लोग हैं। और मैं सुना आप हमारे एमएलए साहब को लोन अप्रूव नहीं कर रहे कहते। वो क्या नाम है मिया उसका? हाँ हजारों करोड़ लेके चले गए इंडिया के बाहर, वैसे डुबाने वालों को दे देते। और हमारे एमएलए साहब मामूली 30 करोड़ पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको चुप रहा। वो कल फोन पे बोल दिया था ना लोन अप्रूवल नहीं होता, बल्कि निकलो घर से बाहर। बात कर रहा हूं मैं, बड़े बात कर रहे ठहरो। हमारे मैनेजर साहब तुम्हारे को बीपी हाई दिख रहा, घर में जवान बेटी रख के ऐसे तेवर अच्छे नहीं है। तुम्हारे को मालूम मेरा भाई 1 नंबर का बदमाश है, मगर मैं इसको पकड़ के रखू, समझे ना? एमएलए को तुम्हारे बोलो जाके, ये जोकरों से डरने वाला नहीं हूं मैं, समझे? मेरे को डरा रहा, फिर अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर, मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ। जी आप एक जवान बेटी के बाप हैं, और एक जवान बेटी के बाप को इतनी जिद अच्छी नहीं होती, और वैसे भी वो लगा अच्छे आदमी नहीं, एमएलए के आदमियां हैं वो। एक छोटी सी सिग्नेचर की तो बात है, आपके और आपकी बेटी के लिए अच्छा है। क्या हुआ? जब से मैं भी वही समझा रहा था ना, घर में जवान बेटी रख के ऐसी जिद अच्छी नहीं है। अब मैं तुम्हारे को 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर बैंक लोन अप्रूव करा देना, वरना आगे का मैं जिम्मेदार नहीं। अब चलता हूँ, जरा ये सोफा रिपेयर करो, बहुत हिल रहा। चलो एमएलए साहब का फोन है, मिले क्या? जरा पेमेंट की भी बात कर ले। ठीक है भाई चलो। जी एमएलए साहब जी आ रहा। ओके भाई। हैप्पी होली। सॉरी, छोड़ो मेरे को। अब्बू, अब्बू, अब्बू। बेटा खान, जरा सुनो, तुम्हारा बर्थडे आ रहा। उस दिन तुम पूरा मेरे साथ ही रहना, घर पर ही रहना, रहोगे ना? हाँ, बेटी पोटी के साथ किसको आया? बहन है क्या इसकी? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड हुई इसकी। कौन है रे वो खुशी को रंग डाले सो? कौन है रे वो बोलो? अब इसकी बहरी खा के फ्लैशबैक में मौसम्बी से मिल ले तो मैं डालो रे, क्या कर लेता। मैं हीरो बनूंगा, हद से ज्यादा तुझे प्यार करूंगा, दिल में तेरे आके बस जाऊंगा, प्यार का इजहार करूंगा। एक दिन तेरा मैं हीरो बनूंगा, हद से ज्यादा तुझे प्यार करूंगा, दिल में तेरे आके बस जाऊंगा, प्यार का इजहार करूंगा। मेरा खो जाता मेरे बस में नहीं रहता, अब तो मेरी जान तू बाहों में आ। ये नहीं है। थैंक यू रेखा, मेरे को मेरी मौसमी से मिला दिया। देख इना देख इन्हें है। कौन है रे फिर? देख नहीं हो रही भी। कौन है रे डाले से होली? इन्हें है क्या? मेरे को बिठाओ ना। अरे इन्हें रंग डाला सो ले धुनक। सालो, अच्छा फिल्म को जाने वाला था मैं, मेरी गर्लफ्रेंड को ले लेके पूरा मूड खराब कर दिए मेरा। अगर मेरे को हाथ लगाते थे ना, छोड़ देता था। ये मेरी जान है, मेरी लाइफ है रे ये। सालो बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोग का। देखो रे कैसा रो रही ने, छोटे बच्चों को जैसा रो रही ने। साले काट के फेंक देता हूँ इतने को। कलर डाल के होली खेलते रहे इसके साथ। हाँ, खून की होली खेलूंगा तुम लोगों के साथ, समझ में आ रहा? और इन्हें यहाँ से अगर हंस के नहीं गई ना, सबको रुलाऊंगा बेटे तुम लोगों को। एक काम करेंगे, अपन ही चैटिंग करके बताएंगे इसको, नहीं तो फिर मारता ही नहीं। कौन सी फिल्म करेंगे? बाहुबली। अबे कटप्पा, बाहुबली के वास्ते घोड़े हत्या कहाँ से लेंगे इतनी जगह पे? हाँ? एक काम करो, गब्बर का गेटअप डालने के आतो। क्या हुआ रे, कब से तुम स्टार्ट कर रहे? एक मिनट, लाइट्स ऑफ। कितने आदमी थे? अकेला था उन्हें। राहुल द्रविड़ का ऐड कहाँ है? ऐसी स्टार्ट कर देते मूवी। अरे तो फिर शुरू से करेंगे, तू बीच में स्क्रीन पे कहीं घुस जा रहा। तू जा भाई, तू जा भाई। अरे तू भी कह रहे टकले, नो स्मोकिंग का ऐड करना नहीं, लोगों को बताना सिगरेट शराब सेहत के वास्ते अच्छा नहीं है बोल के। कितने आदमी थे? उन्हें एक था वो एक, और तुम इतने बाद से फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? धिक्कार है। कुत्ते के बच्चे। अरे उन्हें कुत्ते के बच्चे नहीं बोला जी, सुअर के बच्चे बोला। अरे टकले, मेरे को तुम लोग जैसा दिखेंगे वैसा बोलूंगा, खामोश सुन। अरे 3 टाइम फूटे होता मेरे पास खा रहे और 1 टाइम जाके वो खान के पास फूटा के आ जा रहे, क्या है रे ये? धिक्कार है। अरे तुम्हारे जी में दम रहा तो तुम्हें जाके लड़ना था, हमारे कहीं को भेजे है। सामा कितना इनाम रखी सरकार हम पर? सरदार पूरा 5 रुपया। अरे वो बैल 5 रुपए आजकल फकीरा भी नहीं ले रहे, जरा बढ़ के बोल। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटी सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। मगर ये पूरे हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। आजकल के बच्चे कहाँ सो रहे जी, सुबह तक उछाल रहे और वहाँ गए तो औरता बहना सब मिलके हमारी फोड़ के भेज रहे। हाँ। इसकी सजा मिलेगी, ब्रेक के बाद मिलेगी। अच्छा ब्रेक मिल गया ना, पॉपकॉर्न खाती क्या तू? अब इसको पॉपकॉर्न कैसे लाके देंगे अपन? मेरे क्या मन नहीं खाती। अच्छा पिज्जा खाती क्या? पिज्जा की तो सूरत देख के जमाना हो गया, नहीं तो बिरयानी मंगाऊंगा यहाँ से। बिरयानी? आप हमारी तनख्वाही नहीं दी है, उसको बिरयानी कहाँ से खिलाएंगे? अरे मैं तो बोल रहा हूँ उन्हें कुछ भी नहीं खाई तो अच्छा है। बोल दे बोल दे। नहीं कुछ भी नहीं खाती। अरे मियाँ जरा जाके चाय लेके आओ, चाय का बोल के हलक सूख गया मेरा। सेकंड हाफ स्टार्ट करो जल्दी। अरे वो ठाकुर, तेरे तो हाथ काट कर फेंक चुका हूँ मैं। अच्छा एक बात बोल, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। अब मैं तो तेरे हाथा काट के फेंक दिया, अगर जिस्म में कहीं तेरे को खुजाया तो क्या करता तू? रामलाल को किस लिए रखा है मैंने? आए। पसंद है क्या मूवी? हो गया बस ना। और एक शो देखती क्या? चलो रे और एक शो स्टार्ट करो। मैं बोला ना तुम्हारी बेटी सिर्फ 2 जगह सेफ है, एक तुम्हारे घर में और एक खान के दिल में। संभाल के रखना इसको, जान है मेरी। खान से डैडी मेरे लिए, अब तो भी समझो ना आप। जैसे मैं आपके साथ रहती मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, वैसे मुझे खान के साथ भी सेम फील होता है। डैडी अब तो भी समझो। खुश रहे बेटा। अरे ट्यूबलाइट, डैडी ने अपन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है। सच्ची? सच में।